पेज नंबर 17, ये पेज नंबर 17 यहाँ पे ए और बी कॉलम है आपके, उसमें सबसे पहले है फ्रॉग, 5 नंबर से 6 पे है आपका मैन, 7 पे है हट और 8 पे है बोट। बी कॉलम में पैन, रैट, गोट और लॉग, एल ओ जी लॉग। तो फ्रॉग को हम मिला लेंगे लॉग से, फ्रॉग लॉग, मैन पैन, हट रैट और गोट गोट, है ना। हाउस माउस, सॉरी हट की प्लेस पे हम लिख देते हैं हाउस, H O U S E house, और रेड की प्लेस पे हम लिख देते हैं माउस। हाउस माउस, मैन पैन, फ्रॉग लॉग और बोट और गोट, ये आपके हो गए राइमिंग वर्ड्स। पोएट्स एंड सॉन्ग राइटर्स ऑफन यूज राइमिंग वर्ड्स इन देयर पोएम्स एंड सॉन्ग्स। जो सॉन्ग राइटर होते हैं, गाने लिखने वाले, और जो पोएम लिखते हैं वो अपने उसमें क्या करते हैं बच्चों, जो राइमिंग वर्ड्स हैं उनको यूज करते हैं। अब हम आते हैं स्टोरी टाइम, पेज नंबर 18-19, लेसन नंबर 2। मोस्ट पीपल आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग और लिसनिंग टू स्टोरीज। चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए, कहानी सुनना, कहना और पढ़ना तीनों हमें बहुत पसंद होता है। स्टोरीज कैन ऑल्सो टीच अस इम्पॉर्टेंट मॉरल लेसन्स। हिंदी में भी मैंने पढ़ाया था, इंग्लिश में भी बताया था आपको, कि कहानियों के माध्यम से ही हम बहुत अच्छी जानकारी, अच्छा संदेश दे सकते हैं। रीड द क्लूज एंड राइट द नेम्स ऑफ द स्टोरीज यूजिंग हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स दे रखा है आपको, स्टोरी का क्लू पढ़ना है और हमें उस स्टोरी का नेम बताना है। इट वॉज अ हॉट समर डे, अ क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी। ये कहानी तो बहुत ही पॉपुलर है स्टोरी, तो ये कौन है, थ्रस्टी क्रो। ही फ्लू इन सर्च ऑफ वाटर, ही फाउंड अ पॉट विथ वेरी लिटिल वाटर इन इट, द वाटर वॉज टू लो फॉर हिम टू ड्रिंक, सो ही पिक्ड अप सम पेबल्स एंड ड्रॉप देम इन द पॉट। तो ये हो गया हमारा द थ्रस्टी क्रो। तो पेज नंबर 18 and 19 पे सबसे फर्स्ट है स्टोरी द थर्स्टी, THIRSTY क्रो, प्यासा। थर्स्टी मीन्स इसको प्यास लगी है, प्यासा, थ्री डिफरेंट हाउसेज, टू ऑफ द पिग्स वर लेजी, दे मेड देयर हाउसेज विथ स्ट्रॉ एंड स्टिक, ओनली वन पिग वर्क्ड हार्ड, ही मेड हिज हाउस विथ ब्रिक्स, स्टिक्स, ब्रिक्स। ये देखो राइमिंग वर्ड आया ना, तो टू लेजी थे, उन्होंने स्टिक और से स्ट्रॉ से अपनी हाउस को बना लिया, और एक जो था वो बहुत हार्डवर्किंग था, तो उसने ब्रिक्स, ब्रिक्स से बनाया मीन्स पक्का हाउस है ना, परमानेंट हाउस है, और स्ट्रॉ और उससे बनाया तो कच्चा हाउस है। देखो ईवीएस का नॉलेज यहाँ काम आया। तो यहाँ ये है द थ्री लिटिल पिग्स, ये स्टोरी का नेम है द थ्री लिटिल पिग्स। नंबर 4, वन डे अ स्लीपिंग लायन वॉज डिस्टर्ब बाय अ माउस इन द जंगल, द माउस बेग्ड फॉर हर लाइफ, शी टोल्ड द लायन दैट शी वुड हेल्प हिम इन हिज टाइम ऑफ नीड, the lion laughed at the idea and let her go, a few days later the mouse saved his life। ye to sabko pata hi hai, bahut hi famous story hai ye bhi, the lion and the mouse, the lion and the mouse। number 5 pe aate hain hum, a man had 3 sons who were always fighting among themselves। एक आदमी के 3 बेटे थे, वो हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। द फादर वॉज वेरी वरिड, ही डिसाइडेड टू टीच देम अ लेसन, वन डे ही गेव ईच सच सन अ बंडल ऑफ स्टिक टू ब्रेक। पिताजी क्या करते हैं,
ये जो आपको बंडल दिख रहा है वो हर बेटी को देते कि चलो तुम तोड़ो पूरा जो बंडल ऑफ स्टिक्स है। फिर वो कोई भी बेटा उसको तोड़ नहीं पाता, फिर वो क्या करते हैं बंडल को खोल के वन वन स्टिक देते हैं, तो इजीली वो लोग ब्रेक कर पाते हैं उस स्टिक को। तब ये समझाया जाता है उनको, बेटों को, बच्चों को, कि जब यूनाइटेड रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई तुम्हें हार्म नहीं पहुंचा सकेगा। बट अगर अलग अलग रहोगे, आपस में झगड़ा करोगे, तो ये जो अलग अलग स्टिक्स है उसकी तरह तोड़ दिए जाओगे, नुकसान पहुंचाया जाएगा। और बंडल ऑफ स्टिक्स यूनाइटेड रहोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। ये एक स्टोरी है, ये है द बंडल ऑफ स्टिक्स, द बंडल ऑफ स्टिक्स। फिर आता है हमारा सिक्स्थ एंड द लास्ट। वन डे अ पुअर फार्मर फाउंड अ हैन, इट लेड अ गोल्डन एग एवरी डे, सून ही बिकेम रिच बाय सेलिंग द एग्स लेड बाय द हैन। एक बार एक फार्मर को एक हैन मिलती है जो हर दिन सोने का अंडा देती है, तो रोज सोने का अंडा बेचता है और बहुत ही रिच हो जाता है। फिर एक दिन क्या होता है, उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि ये रोज सोने का अंडा देती है, क्यों ना मैं इसका पेट फाड़ कर, पेट को चीर कर, इसके पेट में से सारे सोने के अंडे निकाल लूँ। तो लालच आ जाता है किसान को कि मैं जल्दी से सारा धनवान बन जाऊंगा, मैं रोज रोज क्यों एक अंडा बेचने जाऊं। तो वो क्या करता है, मुर्गी को कट करके उसमें से सारे सोने के अंडे निकालने की कोशिश करता है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या है ये, द गोल्डन एग, द गोल्डन एग। ठीक है, तो इसको करिए, यहाँ तक हो गया हमारा पेज नंबर 19 तक वर्क फिल कर लीजिए, रीड करिए अच्छे से, वर्ड्स आपको सुनने को, समझने को, और ब्रेन में फिट करिए, कोई स्पेलिंग ढूंढिए डिक्शनरी में से, डिक्शनरी देखना भी सीखिए। ओके बच्चों।